तेलंगाना सरकार ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। तेलंगाना सरकार के अनुसार अब सिर्फ अविवाहित युवतियों को ही राज्य के डिग्री कॉलेजों में दाखिला मिल सकता है। सरकार ने अपने इस फरमान के लिए तर्क दिया है कि शादीशुदा महिलाएं कॉलेजों में भटकाव पैदा करती हैं, जिससे दूसरों का पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। सरकार के इस नोटिफिकेशन का सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। राज्य सरकार के इस नोटिफिकेशन का विरोध भी शुरू हो गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह नियम पिछले एक साल से है और आवासीय कॉलेजों में 4000 महिलाएं पढ़ रही हैं, जो आगामी साल में दूसरे साल में जाएंगी। तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एकेडमिक साल 2017-18 में बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए केवल बिना शादीशुदा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तेलंगाना सोशल वेलफेयर सोसाइटी के कंटेंट मैनेजर वेंकट राजू ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि वह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आवासीय डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाली गैर शादीशुदा छात्राओं का ध्यान न भटके, क्योंकि यह हर तरह से मुमकिन है कि शादीशुदा महिलाओं के पति हफ्ते में एक या दो बार उनसे मिलने आएंगे। सरकार के इस नोटिफिकेशन का सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि यह न सिर्फ दुखद कदम है, बल्कि यह शादी जैसे पवित्र बंधन का भी अपमान है। तो एक ओर देश में जहां हर ओर महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहीं तेलंगाना सरकार का ये फरमान उन सभी दावों पर पलीता लगाने वाला है। देखते रहिए डीबी लाइव।